तो फाइनली अब इनफिनिक्स का फर्स्ट 5G स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 14 फरवरी को। 14 फरवरी डेट बहुत ही ज्यादा सोच समझ के रखी गई है, जिसका नाम है इनफिनिक्स 05G स्मार्टफोन। एंड ये एक ट्रू 5G स्मार्टफोन है या नहीं, इसके बारे में अपन बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंड इन्फिनिक्स कंपनी बजट स्मार्टफोन बनाती है, बट इन्फिनिक्स का ये फर्स्ट 5G स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन में मुझे कुछ कमियां लगी, जिसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। एंड साथ ही मैं आपको इस स्मार्टफोन के कुछ कॉम्पिटिटर स्मार्टफोन के बारे में बताऊंगा, एंड वो भी अंडर 20,000 रुपीज़। और वो सभी स्मार्टफोन 5G स्मार्टफोन होने वाला है, जिससे आपको एक अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट है और ये स्मार्टफोन आपको बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग सामने निकल के आ चुकी है, एंड इस स्मार्टफोन की जो प्राइस होने वाली है वो होने वाली है अप्रोक्स 18,000 रुपीस। इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन की डिजाइन एकदम सिमिलर है ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो स्मार्टफोन से। ये एक फ्लेक्सिव स्मार्टफोन है, एंड मुझे इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन की डिजाइन काफी ज्यादा पसंद आई। इस स्मार्टफोन का जो बैक पैनल है वो बहुत ही ज्यादा ग्लोसी और अमेजिंग लग रहा है, बट ये बना हुआ है पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से, तो आपके इजीली फिंगरप्रिंट इस पे देखने को मिल सकते हैं। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलती है 6.78 इंच की फुल HD प्लस एक LCD पंच होल डिस्प्ले, एंड इस डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है 500 निट्स की, साथ ही 120 हर्ज रिफ्रेश रेट है। एंड अगर अपन बात करें टच सैम्पलिंग रेट की तो वो है 240 हर्ज। तो अंडर 20,000 रुपीज वाले 5G स्मार्टफोन के अंदर आपको एक LCD पैनल स्क्रीन देखने को मिल रही है, तो मुझे तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड चीज लगी। एंड इसकी ब्राइटनेस भी बहुत ही ज्यादा कम है 500 निट्स की, तो आउटडोर के अंदर इस स्क्रीन के अंदर आपको ब्राइटनेस की कमी जरूर फील होगी। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है 48 मेगापिक्सल का बैक प्राइमरी लेंस, एंड साथ ही आपको देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, एंड साथ ही आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस देखने को मिलता है विथ डुअल LED फ्लैश। एंड इसके अंदर आपको देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा विथ LED फ्लैश। तो यहाँ भी मुझे कैमरे को लेकर डिसअपॉइंटेड लगा, क्योंकि 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा सेटअप ये बहुत ही ज्यादा ओल्ड हो चुका है। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 64 मेगापिक्सल का बैक प्राइमरी लेंस मिलना चाहिए था, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर भी आपको 50 मेगापिक्सल का बैक प्राइमरी लेंस देखने को मिलता है। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा क्यों देखने को मिल रहा है, ये एक डिसअपॉइंटेड चीज लगी मुझे। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलती है 5000 mAh की बैटरी विद 33 वोल्ट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ, एंड ये अप टू 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है। तो देखना पड़ेगा बॉक्स के अंदर आपको 30 वोल्ट का चार्जर देखने को मिलता है या 33 वोल्ट का। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है MediaTek Dimensity 900 5G चिपसेट, एंड इस प्रोसेसर का अंतुतु स्कोर कुछ ऐसा आपको देखने को मिल रहा है। एंड इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलते हैं 13 5G के बैंड्स का सपोर्ट, तो नो डाउट 5G का नेटवर्क बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है इस स्मार्टफोन के अंदर। तो 5G के लिए थम्स अप है इस स्मार्टफोन के लिए। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है XOS 10 एंड्रॉयड 11 का सपोर्ट, तो ये बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटेड चीज लगी मुझे। इसके अंदर आपको स्टॉक एंड्रॉयड का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, एंड XOS 10 एंड्रॉयड 11 आपको इन्फिनिक्स के 12-13 हज़ार रुपए वाले स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 11 के अंदर आपको ये ही एंड्रॉयड 11 देखने को मिलता है। इस स्मार्टफोन के अंदर आपको देखने को मिलता है 8GB रैम विथ LPDDR5 का सपोर्ट, एंड साथ ही 128GB स्टोरेज विथ UFS 3.1 का सपोर्ट, एंड इसके अंदर स्टोरेज अपग्रेड करने के लिए मेमोरी कार्ड का स्लॉट दिया गया है। अगर अपन बात करें इन्फिनिक्स 05G के कंप्यूटर स्मार्टफोन्स की, तो इस लिस्ट के अंदर बहुत से 5G स्मार्टफोन है जिनके अंदर इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन से आपको अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आइको G3, आइको G5 एंड Xiaomi 11 Lite एनी 5G एंड Samsung Galaxy M52 5G स्मार्टफोन। तो इनकी आपको सेल के अंदर प्राइस बहुत ही ज्यादा कम देखने को मिलेगी। एंड अगर आप इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन के अलावा इन स्मार्टफोन को बाय करते हो, तो आपको इनके अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। एंड अगर अपन बात करें इन्फिनिक्स 05G के बारे में, तो इस स्मार्टफोन के अंदर बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको स्पेसिफिकेशंस के साथ। तो इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन को लेके मेरा ओपिनियन ये है कि आप 2-3 हज़ार रुपए और ऐड कर लीजिए और इससे एक बेटर 5G स्मार्टफोन बाय करिए, क्योंकि 5G स्मार्टफोन के अंदर इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रहेगा। तो आप एक अच्छा स्मार्टफोन बाय करिए, इसके अंदर आपको बहुत ही ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है स्पेसिफिकेशंस के साथ, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि इन्फिनिक्स 5G स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है या नहीं है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फिनिक्स 05G स्मार्टफोन कैसा लगा और इसकी प्राइस आपको कैसी लगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।